तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में ये आपका दूसरा लेक्चर है सुधारकों के रूप में। एक्चुअली क्या है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी रासायनिक सुधारकों के बारे में, तो रासायनिक और जैविक दोनों जब अगर एक ही वीडियो में बनाते हैं तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए इसके दो वीडियो बनते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लवणीय मृदाओं को बायोलॉजिकल तरीके से यानी जैविक तरीके से कैसे सुधारा जा सकता है। मैंने इससे पहले वाले जब सुधारकों की बात शुरू हुई थी लवणीय मृदाओं का सुधारक के का जो टॉपिक हुआ था स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने दो चीज़ें बोली थी कि लवणीय मृदाओं को मुख्य रूप से हम या तो भौतिक तरीके से या फिर रासायनिक तरीके से सुधार सकते हैं, बट कुछ मात्रा में जैविक तरीके का यूज करके भी हम लवणीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। तो जैविक तरीकों की बात करें तो जैविक तरीकों में हम वही अपने कार्बनिक खादे हुई या कुछ बायो प्रोडक्ट हुए या वनस्पतियों का प्रयोग करके हम कुछ हद तक लवणीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। तो हम इस वाले लेक्चर में जैविक सुधारकों के बारे में बात करेंगे। तो जैविक सुधारकों के रूप में हम लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए मुख्यतः पहला गोबर की खाद, दूसरा सीरा, तीसरा प्रेस मड, चौथा वानस। जैविक सुधारक के रूप में मुख्यतः हम चार चीजों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। पहला सॉरी पांच चीजों का प्रयोग, लवणीय मृदा को सुधारने के लिए जैविक मेथड में हम पांच चीजों का यूज करते हैं। पहला गोबर की खाद, दूसरा सीरा, तीसरा प्रेस मड, चौथा वनस्पति पदार्थ और पांचवा हरी खाद। अच्छा प्रेस मड और सीरा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, इसको ज़्यादा ध्यान दे लेना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। बाकी ये चीज़ें हम लोगों ने एग्रीकल्चर में भी बहुत बार पढ़ी है। इसके अलावा अपने कार्बन को लेसन नंबर सेकेंड जीवाणु पदार्थों का अपघटन पढ़ा था, उसमें भी हमने इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात कर दी थी। तो ये थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके इनका प्रयोग जैविक तरीके से कैसे करते हैं एक स्टडी के मतलब देखा जाए मोटे तौर पर बात करते हैं तो क्या होता है जब आप कोई भी वनस्पति पदार्थ या कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब मृदाओं में डालोगे तो हमने जब लेसन नंबर सेकंड में पढ़ा था कि इनमें उपस्थित क्या होता है कार्बोहाइड्रेट वो टूटता है, टूट कर क्या निकालता है CO2 निकालता है जो आपको याद हो तो क्या करती है H2O है जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देती है। और अम्ल जैसे हम लोगों ने रासायनिक सुधारक के रूप में पढ़ा था कि अम्ल का प्रयोग ये अम्ल क्या करते हैं सोडियम को वहां से हटा देते हैं। क्लियर है। दूसरी बात जब अपघटन की क्रिया होगी तो अपघटन की क्रिया के समय कौन भाग लेता है सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवाणु भी क्या करते हैं अपघटन के साथ साथ जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो कुछ अम्ल चाहे वो ब्यूटेरिक अम्ल हो प्रोपोनिक अम्ल हो या कोई भी अम्ल उत्पन्न करते हैं और ये अम्ल भी क्या करते हैं मृदा कोलाइडर से लवणों को हटाकर मृदा को सामान्य मृदा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पांचों में क्रिया एक ही होगी क्या इनका अपघटन होगा इनसे प्राप्त CO2 और ये जो जल होगा वो कार्बनिक अम्लों में बदलेगा और अम्ल ही बाद में क्या करते हैं मृदा को सुधारते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जैविक रूप में सीरा और प्रेस मड की। सीरा और प्रेस मड की बात करें तो मुख्यतः ये प्राप्त होते हैं हमें शुगर मिल क्रिस्टलाइज करके चीनी बना ली जाती है तो जो बचा बचा पदार्थ होता है
सड़ा गला जो पदार्थ बचता है, चाहे मांस के अवशेष हो या जब हम चीनी बनाते हैं तो उससे प्राप्त हुआ जो मेल होता है ब्लैक ब्लैक, जिसे मॉस भी कहते हैं या शीरा जिसको कहते हैं, तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, यानी बचे हुए ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इनका प्रयोग हम लवणीय पदार्थ को निकालने के लिए करते हैं। कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बात करें इनकी, क्योंकि ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं यानी गन्ने के क्रश करने से प्राप्त होते हैं, तो इनमें क्या होता है, कहीं का कार्बोहाइड्रेट होता है कितना, ऑलमोस्ट 60-70% इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटास होता है लगभग 4.5% के आसपास, इनमें क्या होता है पोटास उपस्थित होता है। उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन होती है ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास, इसमें नाइट्रोजन होती है। उसके साथ साथ इसमें 2% के आसपास चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है। 0.5% के आसपास इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें ऊपर यानी फास्फोरस 0.5% के आसपास और कुछ मात्रा में आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी उपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीजें चाहे कम मात्रा में उपस्थित हो परंतु किसमें पाई जाती है, सीना और प्रेस्टमेंट में, क्लियर है। अब कार्बोहाइड्रेट इसका क्या होगा, 6H2O, क्लियर है। इसको जब टूटता है तो टूटकर क्या बनाएगा, हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की थी, इसमें CO2 प्लस जल का निर्माण करेगा। ये CO2 क्या करेगी, जल के साथ क्रिया करके कुछ कार्बनिक अम्ल बनाएगी यानी CO3 का निर्माण करेगी, और ये कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जो क्या करेंगे मृदा क्लोराइडों से प्रति सोडियम को वहां से हटा देंगे, क्लियर है। इतना समझ में आया, कार्बन में प्रेसमेंट में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर क्या बनाएगी, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल H2CO3 जिसका जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। जब ये H2CO3 क्या होगा, कार्बनिक अम्ल होते हैं जब किसी भी लवण, कौन से, क्योंकि हमने इसका प्रयोग किसमें किया है, लवणीय मृदाओं में किया है, तो जब ये लवणीय मृदाओं में लवणीय मृदाओं के संपर्क में आएंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसको यहां से रिप्लेस करके इसके स्थान पर तो खुद आ जाएगा और ये सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना लेगी, जो मृदा में नीचे की साइड जाकर मृदा को नीचे की साइड जाकर मृदा के निचले संतरों में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। सोडियम यहाँ से हटा तो मृदा भी क्या आ गई, हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन मृदा को क्या करती है, अम्लीय करती है, यानी अब मृदाएं क्षार से अम्लीय होने लगती है, यानी pH मान जहाँ 8 या 9 जो भी है 9 या 10 अब वो धीरे धीरे किसमें नीचे की साइड आने लग जाता है, जिससे मृदाएं कैसी हो जाएगी, सुधरने लग जाएगी, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। हमने अब तक जब रासायनिक मृदा सुधारक के रूप में बात की थी तो उसमें हम या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं या कैल्शियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं या H2SO4, तीन चीजों के ऊपर हमने सबसे ज्यादा डिस्कस किया था। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें उपस्थित है, चाहे कम मात्रा में हो पर है, तो ये कुछ मात्रा में क्या करेगा, अपने सोडियम को रिप्लेस करेगा। इसके साथ साथ इसमें H2SO4 यानी अम्ल भी है, जो अम्ल कैसे काम करता है ये हमने अभी रासायनिक मृदा सुधारकों के रूप में बात किया, यानी ये H2SO4 भी यहाँ से सोडियम को हटा देगा, जिससे भी मृदाओं को सुधारा जा सकता है। इसके साथ साथ इनमें पाया जाने वाला आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मृदाओं को सुधारक के रूप में यूज होता है। आई होप ये समझ में आया होगा, यानी जैविक सुधारक के रूप में सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाएगा तो वो होगा शीरा या प्रेसमेंट का। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे अगर मेरे ऑप्शन टाइप से आते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें सीधा सीधा पूछता है कि मृदाओं को सुधारने के लिए, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जैविक पदार्थों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रेसमेंट और शीरे का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें ये सब चीजें प्राप्त होती जो कि लवणीय मृदाओं को नॉर्मल मृदाओं में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। ओके, आपको ये वाला चीज समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके रूप में
हरी खाद के बारे में। हरी खाद का प्रयोग जब मदद सुधारक के रूप में करते हैं तो इसमें मुख्यतः प्रयोग हम किया जाता है या तो भेजे का या सनई का। इन दो का प्रयोग लवणीय मृदाओं को पकाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों? पहली बात तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरण करेगी, साथ ही साथ जब इनको हम मृदाओं में 40 से 50 दिन बाद जब मृदाओं में वापस से पलटते हैं या मृदाओं में मिलाते हैं तो इनके साथ साथ ये क्या लेती है, ये कार्बनिक पदार्थ यानी वनस्पति पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ भी प्रोवाइड करवाती है। ये कार्बनिक पदार्थ क्या करेंगे, अपघटित होंगे, अपघटित होने के बाद क्या करते हैं, CO2 और CO2 के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाएंगे और उसके साथ साथ कुछ अन्य अम्लों का निर्माण भी करते हैं। और ये कार्बनिक अम्ल कैसे काम करते हैं वो हम लोगों ने अभी बात की, उसमें भी क्या होगा कि ये H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल है ये या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, उस सोडियम को रिप्लेस करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा और कैल्शियम उसके साथ आकर चिपक जाता है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हरी खाद के रूप में कैसे, सॉरी तो हरी खाद का प्रयोग हम मृदा सुधारक, जैविक मृदा सुधारक के रूप में इस तरीके से यूज़ करते हैं। और हरी खाद के रूप में मुख्यतः ढेचा और सनई का यूज किया जाता है, यानी आपको ढेचा और सनई एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा याद रखना है। क्लियर? इसके साथ साथ तीसरी अगर बात करें तो हरी खाद के रूप में वनस्पति पदार्थ में कुछ मात्रा में खरपतवार जिसमें भी एग्जाम्पल है कटाली, जिससे मोना मैक्सी का प्रयोग जिसका जो कि जिसे हम क्या होता है अर्जिमोना मैक्सिकाना जिसका जो मुख्यतः सरसों के खेत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो इसका प्रयोग भी हम लवणीय मृदा सुधार के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके संगठन की बात करें तो इसमें वनस्पति पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, कुछ मात्रा में कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में विभिन्न प्रकार की शर्कराएं व कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाता है। जब इसका कटाली अर्जुना मैक्सिकाना जो कि सरसों में पाया जाता है, अगर हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, कुछ मात्रा में शर्कराएं यानी कोई शर्कराएं पाई जाती हैं और कुछ मात्रा में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं जो कुछ हद तक कुछ मात्रा में लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है? हरी खाद कैसे यूज होगी और कैसे काम करती है आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमने बात की थी कि खरपतवार के रूप में किसका प्रयोग, मुख्यतः अर्जिम जिसे घर साइंस जिसका बॉटनिकल नाम है अर्जिमोना मैक्सिकाना और इसको सत्यानाशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपने इससे पहले भी एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में बहुत बार सुना है, ये सरसों के खेत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए मुख्यतः इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके संगठन में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट कैल्शियम सल्फेट व अम्ल भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं उस सोडियम को वहां से रिप्लेस करके मृदा को नॉर्मल मृदाओं में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ मुख्य जैविक सुधारक हैं जो मृदाओं को सुधारने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हुआ है, नेक्स्ट कल जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे हम नेक्स्ट लवणीय क्षारीय मृदाओं का प्रबंध कैसे करते हैं, यानी इनमें एग्रीकल्चर वाले जो क्रियाएं की जाती है वो कैसे की जाती है। ठीक है।